ओके तो अभी ये त्रासदी होने की वजह से एक फ्रेंडली रिलेशन जहाँ डेवलप होता है वहाँ तो कपड़ा उधार जाना एक स्वाभाविक बात है, तो ये उधार देना लेना ये सब साइकिल तो चालू ही था। पर ये अचानक तालिबान का जो हमला हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहाँ से व्यापार का पूरा तहस नहस हुआ है। अभी 100% ऐसी भावना हो गई है कि वहाँ से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कम से कम सूरत का 400 से 500 करोड़ रुपया जैसा टर्नओवर का काम वहाँ होता था, तो बट नेचुरल है कि उसका नुकसान तो लगेगा ही लगेगा। डालते ही जो पैसा हमारा बाकी है ईरान में है या बांग्लादेश में है या दुबई में है, वो पैसे को एक भविष्य प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कारण कि वहाँ की पोजीशन ऐसी है, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, अफगानी देश को छोड़ के भाग रहे हैं, तो व्यापार कौन सोचेगा। और यहाँ के जो भी 100-125 व्यापारी, उन्होंने ये तय कर लिया है कि तालिबानी हुकूमत 20 साल पुरानी स्टाइल पर अगर आती है तो कौन व्यापार करे, तो अपने व्यापार को स्विच करने की सोच ली है।